हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। और आरबी एनटीपीसी सीरीज में आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज से पार्ट 13, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उससे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि अगर आपको वीडियोज़ देखने हैं, 12 पार्ट्स जो दिए हुए हैं मैंने, तो यहाँ कॉर्नर में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस सेटेलाइट, कि भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा है या कौन सा छोड़ा गया था। ये भी पूछ सकता है कब छोड़ा गया था। तो पहले तो नाम जानिए, इसका नाम है GSAT-7। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपसे पूछेगा किसने डेवलप किया था और कब छोड़ा गया था। तो ये डेवलप किया गया था इसरो के जरिए, और इसको छोड़ा गया था 2013 में, और सेप्टेम्बर 2013 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफेंस सेटेलाइट का यूज़र कौन है। तो ये इंडियन नेवी, जो हमारी भारतीय नौसेना है, ये इसकी यूज़र है मल्टीबैंड कम्युनिकेशन सेटेलाइट की। और इसका एक और नाम है, जिसे इसे हम रुक्मिणी नाम से भी जानते हैं इस उपग्रह को। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो पहले क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन वही रहेगा, उसका फॉर्मेट बदल देगा कि पहला डिफेंस सेटेलाइट का नाम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GSAT-7, यहाँ पे जो इसका उपनाम रखा गया है वैसे नाम लिख सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका उपनाम यहाँ पर क्या रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवेज इज डिज़ाइंड बाई, कि भारतीय रेलवे जो है, उसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हम रिजर्वेशन बुकिंग करते हैं, वो किसके जरिए डिज़ाइन किया गया है। तो वो डिज़ाइन किया गया है क्रिस के जरिए। बी वाला ऑप्शन इसका भी सही है। आप देखते भी होंगे, जब भी आप खोलेंगे IRCTC की वेबसाइट, तो नीचे लिखा रहता है क्रिस। क्रिस क्या है? तो क्रिस एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है इंडियन रेलवे की, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका काम क्या होता है? रेलवे से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर या फिर जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं वो क्रिस ही करता है। अगला सवाल है, विच इज़ केमिकल नेम गिवन टू चॉक, जो चॉक जिसको हम जानते हैं, जिसका काम हम लेते हैं लिखने का, तो उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है। केमिकल नेम कई बार केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर आपसे पूछे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप केमिकल फॉर्मूला बताएंगे CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, कि जो आर्टिकल 29 है हमारे संविधान का, वो कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो जो 29 आर्टिकल है, जो और जो 30 आर्टिकल है, 29 और 30 दोनों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए आर्टिकल्स हैं। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सी वाला, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों या फिर उनके अधिकारों के संरक्षण का की बात आर्टिकल 29 में कही गई है। आर्टिकल 29 में भी दो पार्ट हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये 29-1 है, 29-2 है। वन में क्या कहा गया है कि कोई भी जो सिटीजन है जो हमारे देश में रह रहा है किसी भी पार्ट में, और जिसकी जो लैंग्वेज है अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो उसको अपनी वो लैंग्वेज कल्चर उसको कंजर्व करने का अधिकार है, उससे वो वंचित नहीं है। और जो 29-2 है उसमें बताया गया है कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जात या फिर उसका रिलीजन, लैंग्वेज, किसी के आधार पे ग्राउंड इसको लेकर के कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ दाखिला करने से, एडमिशन करने से मना नहीं कर सकता है जो कि स्टेट के द्वारा फंडेड है। तो ये 29 में अधिकार दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को। और जो आर्टिकल 30 है वो बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, अपने अधिकार या फिर अपने कल्चर को कंजर्व करते हुए। तो 29 में बात करी गई है राइट्स की, कि उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए और उसके आधार पे कोई मना नहीं कर सकता है दाखिला करने से कहीं भी। और जो 30 है बता रहा है कि वो खुद अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दोनों आर्टिकल आप ध्यान से पढ़िएगा, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। और कई बार होता है कि जब हमको समझ में नहीं आता या फिर जब पढ़े हुआ भूल जाता है, तो हम 29 को 30 में दिखा देते हैं, 30 को 29 में दिखा देते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, इन विच ईयर वॉज द फेसबुक स्टार्टेड, कि फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 2004
2004 में किसने करी थी? मार्क जुकरबर्ग ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन को हम डिनोट करते हैं O3 से। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो O3 क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन का काम क्या होता है समझते हैं कि हमारे धरती के चारों तरफ एक तरह की सुरक्षा कवच का काम ओजोन करता है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन से ही इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों में, स्किन कैंसर डिजीजेस काफ़ी बढ़ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँच रही है। लेकिन अब वो जो परत है वो धीरे धीरे करके भरती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साउंड मेड बाय सील कॉल्ड? जो सील एक समझ सकते हैं एक्वेटिक एनिमल है, आप कह सकते हैं सेमी एक्वेटिक एनिमल है, तो उसके द्वारा जो ध्वनि निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं बार्क। ए वाला ऑप्शन, जैसे कुत्ते के द्वारा निकाली गई ध्वनि को बार्क कहते हैं ना, भौंकना, वैसे ही सील के द्वारा भी जो ध्वनि निकाली जाती है उसको बार्किंग या फिर बार्क कहते हैं। सील की भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 18 प्रजातियाँ होती हैं सील में। कुछ सील्स होती हैं जिनको ट्रू सील्स कहा जाता है, वो सुन नहीं सकती हैं, उनके कान नहीं होते हैं, और कुछ सील्स की प्रजातियां होती हैं जैसे सी लॉयन वगैरह हो गए, तो उनमें कान होते हैं, वो सुन सकते हैं। तो दोनों ही अलग अलग प्रजातियां होती हैं, दोनों की अलग अलग बातें होती हैं। और सील को एक और नाम से जाना जाता है, पिनीपेड, ये इसका एक और नाम है। तो याद रखिएगा, सील की ही को ही पिनीपेड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द फूड इज मेजर्ड इन, कि जो एनर्जी या फिर जो ऊर्जा हमको खाने से मिलती है या कुछ खाते हैं पीते हैं, तो उसको हम मेज़र किस में करते हैं? तो जो हम खाते पीते हैं उससे जो हमको एनर्जी मिलती है उसको हम मेज़र करते हैं कैलोरी में। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है या फिर इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर देखा जाए वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट लेते हैं दुनिया भर में। 3000 कैलोरी से भी ऊपर की उनकी पर डे की एवरेज डाइट होती है। और बात करीजिए अगर भारत की, तो भारत बहुत नीचे आता है, और ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी नीचे आता है एवरेज जो कैलोरी की डाइट है उसमें। तो ये एक 2011-12 का आंकड़ा है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO का, जिसमें बताया गया है कि जो द एवरेज रूरल इंडियन कंजम्पशन ओनली 2099 किलो कैलोरी पर डे एंड अर्बनाइट्स 2058 किलो कैलोरी पर डे, कि जो रूरल क्षेत्र के लोग हैं वो लगभग कह सकते हैं 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम करते हैं, और जो शहर के लोग हैं वो 2058 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारा कह सकते हैं कि 2011-12 का एक आंकड़ा है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इतना करते हैं, कितना करना चाहिए उसकी बात अलग होती है, और यहाँ पे जो मिनिमम अगर देखा जाए लिमिट कितनी है, तो लगभग 1750 के आसपास की किलो कैलोरी की लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारा देश का एवरेज है उससे तो ज़्यादा ही यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। और आपको पता है जब एवरेज निकलता है तो ये कोई डेफिनेट आंकड़ा नहीं है, किसी का कम हो सकता है और किसी का इससे बहुत अधिक हो सकता है डाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी हैव, कि कितने लीटर रक्त एक वयस्क शरीर में होता है? तो इसका भी जो वैल्यू है वो एक डेफिनेट नहीं, आप बता नहीं सकते इतना ही होता है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति है, उसका वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी एज कितनी है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक एवरेज अगर डेटा देखा जाए तो कहा जाता है कि 4.5 से 5.5 लीटर्स के बीच जो है एक वयस्क के शरीर में ब्लड होता है। इससे कम भी हो सकता है अगर कुपोषण के शिकार हैं, इससे अधिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी लंबाई और उसकी एज और उसका खान पान कैसा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4.5 कोई ऑप्शन सही नहीं है। एग्ज़ाम में जो ऑप्शन सही दिया गया था वो था सी वाला, 5 लीटर्स का। ओके, तो इसको आप ऑप्शन सही मान सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, एक एवरेज माना जाता है 5.5 लीटर का, कि इतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, Who is known as the father of video games? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये करंट अफेयर्स के सेक्शन का ये क्वेश्चन था, तो जरूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। ऐसा क्यों पूछा गया था? क्योंकि 2016 में एग्ज़ाम हुआ था और 2014 में ही इनकी डेथ हो गई थी। ये थे राल्फ एच बेयर। डी वाला ऑप्शन इसका सही है, इनको फादर ऑफ वीडियो गेम्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वुड इज़ यूज टू मेक अ क्रिकेट बैट, कि कौन सा लकड़ी यूज होती है क्रिकेट बैट बनाने के लिए? तो
क्रिकेट बैट आप सब लोग परिचित ही होंगे, उसके लिए लकड़ी यूज़ होती है विलो की। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। विलो के लकड़ी के जो बैट होते हैं वो सबसे अच्छे क्वालिटी के समझे जाते हैं और सभी लोग विलो की लकड़ी के बैट ही प्रेफर करते हैं जो भी खेलते हैं क्रिकेट। वो वैसे तो आप बैट किसी भी लकड़ी का बना लीजिए, लेकिन जब एक कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो ये विलो के लकड़ी के ही बैट बनते हैं। अगला सवाल है, व्हाट ऑफ द गिवन बिलो डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इनमें नीचे जो डिवाइसेस लिखी गई हैं आपको बताना है कि इनमें कौन सी वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये कौन होता है आपको पता ही होगा, बैटरी। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। बैटरी ही तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ट्रांसफार्मर का। देखिए ट्रांसफार्मर किसी भी तरह की एनर्जी को बदलता नहीं है, उसका काम होता है केवल इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाना। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जब है तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूँ कि ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर किस नियम पे काम करता है, किस नियम पे काम करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफार्मर है, पहली बात तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्टैटिक क्यों कहा जाता है ट्रांसफार्मर को? स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट ऐसे होते नहीं हैं, ठीक है, जैसे मशीन्स में होते हैं मूविंग पार्ट्स, वैसे इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहा जाता है। और ये वर्क करता है फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको याद रखिएगा कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पे ये काम करता है ट्रांसफार्मर। बात ट्रांसफार्मर की हो रही है, ओके। और अगर बात करी जाए तो ट्रांसफार्मर अपनी वर्किंग के आधार पे दो तरीके के होते हैं, ओके। अपनी फिजिकल बनावट के आधार पे तो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन वर्किंग जो होती है उसके आधार पे दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये दो ट्रांसफार्मर इसके टाइप होते हैं। ट्रांसफार्मर का एक जो बेसिक सर्किट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसकी प्राइमरी कॉइल होती है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और सेकेंडरी कॉइल के लोड के आधार पे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर का डिवीज़न किया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो कि सेकेंडरी, जो भी यहाँ पे आउटपुट समझ सकते हैं वो है, उस पर वोल्टेज बढ़ाने का काम करे। तो वो क्या होता है, स्टेप अप। स्टेप अप मतलब सेकेंडरी पे वोल्टेज वो बढ़ा रहा है। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, जब वो सेकेंडरी पे वोल्टेज को कम कर रहा होता है। तो जैसे विद्युत जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो भी सोर्स है उसका, वहाँ से जब हमको इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेजना होता है तो काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम जहाँ पे सोर्स होता है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से 100-200 किलोमीटर से दूरी पे है। अब अगर वो शहर तक आ गई है लाइन, तो जब घरों में अगर देना है उस बिजली को, तो हमको उस वोल्टेज को कम करना पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए जो पावर हाउसेज लगे होते हैं, या फिर जो शहर शहर में छोटे छोटे से पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो इतनी ज़्यादा वोल्टेज है उसको कम किया जा सके और आगे वो भेजा जा सके, ओके। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का भी फंक्शन आपको पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है हु फॉट अहमद शाह अब्दाली एट द बैटल ऑफ पानीपत। कि पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली किसके विरुद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? तो अहमद शाह अब्दाली लड़ा था मराठों के विरुद्ध। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और यहाँ पे जीत किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की हुई थी, क्योंकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ 3 सेनाएं थी और कह सकते हैं काफ़ी मॉडर्न उसकी फौज थी। इस वजह से यहाँ पे जो मराठे थे उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। फिर यहाँ पे आपसे बात होती है जब पानीपत की लड़ाई की, तो ये 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तीनों को लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, कौन कौन लड़ा था और कौन जीता था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो तीनों आप देख लीजिए। जो पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? बाबर के बीच में हुई थी और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुई थी। विजेता कौन था? बाबर इसका विजेता था। और 1526 में जब बाबर ने ये लड़ाई जीती थी, वही समय कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। तो 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी आप बता सकते हैं, जब बाबर ने ये लड़ाई जीती थी। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को लेकर, कि ये कब हुई थी? तो इसके ठीक 30 साल के बाद 1556 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, उनके बीच में और हेमू के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और इसमें विजेता कौन थे? बैरम खान, या फिर कह सकते हैं अकबर ने विजय हासिल करी थी।
फिर जो तीसरी लड़ाई है ये 1761 ईस्वी में हुई थी, और ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें विजेता कौन था? अहमद शाह अब्दाली की जो फौज थी वो जीती थी। तो ये तीनों लड़ाइयाँ हैं, कब हुई थी, किनके किनके बीच हुई थी और कौन जीता था, आपको पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें देखिए, ऑप्शन जो डी वाला है ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और ग्रीन हाउस गैस को लेकर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और एक इसमें ऑप्शन रहता है वाटर वेपर, उसको लेकर के लोग बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, सोचते हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि प्राइमरली जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस में कौन कौन सी हैं। जो वाटर वेपर है वो भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज में हैं। ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब ये नहीं है कि विषैली गैसेज हैं या फिर हमारी धरती के लिए नुकसानदायक गैसेज हैं, ऐसा नहीं है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फियर में नहीं होंगी तो हमारी जो धरती का नॉर्मल टेम्परेचर है वो माइनस में 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। ये ग्रीन हाउस गैसेज ही होती हैं जिनकी वजह से जो हमारे धरती का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ताकि हम सब लोग जिंदा रह सकें। ग्रीन हाउस गैसेज की अनुपस्थिति भी हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी जो संख्या है या फिर जितनी मात्रा में इनको होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से ये खतरनाक है। इनका होना खतरनाक नहीं है, बल्कि इनका अधिक मात्रा में या फिर बैलेंस से बाहर होना हमारे लिए खतरनाक साबित हो गया है। तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस में ही आता है, इसको आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है तो लोग सोचते हैं वाटर वेपर थोड़ी ना ग्रीन हाउस गैस होगा। ग्रीन हाउस गैस वो गैसेज होती हैं जो कि सोलर रेडिएशन होता है उसको ट्रैप करती हैं, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे एक चित्र के जरिए बताने का प्रयास करता हूँ, आम इंसान की भाषा में, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं करता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो ये फिगर देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो सन है इससे जो भी एनर्जी या रेडिएशन आती है हमारी धरती तक, तो जो भी रेडिएशन आ रही है उसका कुछ हिस्सा, जैसे यहाँ पे बताया गया उसका कुछ हिस्सा तो एटमॉस्फियर के जरिए ही वापस लौटा दिया जाता है, ओके, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ हिस्सा जो कि धरती तक पहुंचता है उसको एब्जॉर्ब करती है धरती की सरफेस, और उसी वजह से धरती हमारी गर्म होती है, और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा जब रिफ्लेक्ट हो रहा होता है धरती की सरफेस से भी, जितना एब्जॉर्ब करना है उसने एब्जॉर्ब किया धरती ने, उसके बाद जो हिस्सा बाकी का है एक्सेस में उसको रिफ्लेक्ट जब किया जाता है, तो उसी समय जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो उस रेडिएशन को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ वो गया, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन वाली रे है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगी और फिर से वापस धरती पे पहुँचेगी, फिर से एब्जॉर्प्शन होगा धरती के जरिए। मतलब जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये टकरा करके फिर से वापस रहेगी इसी में। फिर से जब वापस आएगी वो तो अब एटमॉस्फेयर जो है उसको गर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो इसी तरह बहुत सारे अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो जो रेडिएशन नॉर्मली होना चाहिए हमारे धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाना चाहिए वो निकलता नहीं है, बल्कि इसी धरती में फंसा ही रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी धरती आवश्यकता से भी अधिक गर्म होती जा रही है। और इसी गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें जो फैक्टर आजकल आप देख रहे हैं, बेमौसम हर चीज़ें हो रही हैं, यही वजह है जो इतनी सारी इररेगुलरिटीज़ यहां पे हो रही हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सामान्य सी जो बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट आर स्टार्स प्राइमरली मेड ऑफ, कि जो स्टार्स होते हैं वो मुख्यतः किस चीज के बने होते हैं। तो स्टार जैसे हमारा एक सन भी एक स्टार ही है, तो ये बना किससे होता है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। सी वाला ऑप्शन सही है। जितने भी स्टार्स हैं वो इन्हीं दो सबसे हल्के कह सकते हैं एटम से बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, और इनके वजह से ही जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है इतनी रोशनी इतनी एनर्जी यहाँ पे निकलती है। तो ज़्यादातर जो स्टार्स होते हैं वो इन्हीं से बने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच इज़ ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कि कॉफ़ी, राइस, टोबैको, शुगर केन में कौन सा
ऑड है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप बताइएगा थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इसमें ज़्यादा जीएस तो इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा और आप बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ऑड है। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।